हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बेबी के डेवलपमेंट के बारे में कि कौन से ड्यूरेशन में बेबी क्या सीखता है, कब चलना सीखता है, कब बैठना सीखता है, कब क्रॉलिंग करना सीखता है, कब बोलना सीखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक बच्चे का जो विकास दर होती है, विकास रेट होता है, वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा कुछ कुछ एक्टिविटी बहुत जल्दी करने लग जाते हैं, कोई कोई बच्चा बहुत देर से सीखता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि और बच्चे जल्दी कर रहे हैं, मेरा बच्चा लेट कर रहा है। कुछ कुछ चीज़ें आपके बच्चे जल्दी करने लग जाएंगे, वही चीज़ें दूसरों के बच्चे लेट करेंगे। तो सब बेबी अलग अलग होते हैं, यानी हमें अपने बेबी को किसी के बेबी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि वो जल्दी कर रहा है अभी तक नहीं, ये नहीं कर रहा है। क्योंकि बच्चों का जो ग्रोथ रेट होता है वो सबका अलग अलग होता है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेबी रोल ओवर कब से स्टार्ट करता है, पलटना। जब बेबी बेड पर लेटा होता है तो वो पलटना कब से सीखता है? तो 4 to 6 मंथ का जो रेंज होता है तब बेबी पलटना स्टार्ट करता है। बट अगर 9 to 10 मंथ तक भी आपके बच्चे ने क्रॉलिंग करना स्टार्ट नहीं किया है तो तब भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बेबी बैठना कब से सीखता है। तो 6 to 8, 9 मंथ का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, तब बच्चा बैठने लग जाता है। मतलब जो अपनी नेक है, अपना हेड है, उसको धीरे धीरे सपोर्ट देना सीख जाता है। क्योंकि बैठने में जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसमें अपने हेड को होल्ड करना होता है। तो जो बच्चा अपने हेड को होल्ड करना सीख जाता है तो वो बैठना भी इजीली से सीख जाता है। क्योंकि हमने भी देखा है जब हम अपने बेबी को बिठाते हैं तो उनका हेड कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों को पहले उनका हेड कंट्रोल करना आना चाहिए, तो बैठना तो वो सीख जाएंगे। और जब भी आप अपने बच्चे को बैठना सिखाएं तो पहले उसके बैक में कोई पिलो रखे, कोई सपोर्ट रखे, तब बैठना सिखाएं। क्योंकि आप एकदम से बिठा दोगे तो उसके जो बैक है, कमर है, उस पर भी जोर पड़ सकता है। तो धीरे धीरे करके आप ये चीजें करें। तो अब बात करते हैं हम बच्चे चलना स्टार्ट कब से करते हैं। तो चलना एक बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है, और पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगता है जब बेबी चलते हैं। तो जो इसका ड्यूरेशन होता है वो 9 to 16 मंथ के अंडर में होता है, यानी कि जब बच्चा 9 से 16 महीने का होता है तो तब वो चलना स्टार्ट करता है। पहले पहले वो कुछ चीज़ें पकड़ के सपोर्ट के साथ स्टार्ट करता है, बट धीरे धीरे वो अच्छे से चलना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद है बच्चे बोलने स्टार्ट कब से करते हैं। तो जनरली बच्चे 1 ईयर में वर्ड्स में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 1 वर्ड्स में मम्मा, पापा, दूध, बॉल, कैट, ऐसे बोलना स्टार्ट करते हैं। और 12 to 14 या 16 मंथ में वो 2 वर्ड्स में बोलना स्टार्ट कर देते हैं, मम्मा दूध, मतलब दे दो दूध, दे दो, ऐसे करके बोलना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ कुछ बच्चे इनमें टाइम भी लेते हैं, कुछ 2 ईयर 2 and half ईयर में भी 2 वर्ड्स बोलते हैं, या फिर कोई कोई बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, कोई लेट से बोलते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई भी बात नहीं है। अगर बच्चा 3-4 साल का हो गया है या फिर 2 ईयर का हो गया, कुछ भी नहीं बोलता है, मम्मा नहीं बोलता है, पापा नहीं बोलता है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। 3 ईयर में बच्चे कम्प्लीटली बोलने लग जाते हैं, मतलब सेंटेंस बना के बोलने लग जाते हैं। कोई कोई बच्चे जल्दी भी बोल लेते हैं, और नहीं तो 3 या 3 and half ईयर में तो बच्चे सारा कुछ बोलने लग जाते हैं। तो ये था बच्चों का जनरल आइडिया कि बच्चे किस मंथ में, किस ड्यूरेशन में बोलना चलना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।